जैन दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टीम FDA पर। तो वो स्टूडेंट जो इंडियन आर्मी के अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनकी 17 अप्रैल को एग्जाम होने वाली है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दो तीन जो है टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली चीज अगर हम बात करेंगे तो माइनस मार्किंग और आपका जो ऑनलाइन मोड में जो एग्जाम होने वाला है, तो पेपर का लेवल कैसा हो सकता है, क्या क्या चीजें आपको वहां पर सावधानी रखनी ताकि आपका जो इंडियन आर्मी में जाने का जो आपका ड्रीम है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाए। तो साथ में हमारे महेंद्र सर जो कि आपको सारी चीजें आज क्लियर करने वाले हैं कि आपको ऑनलाइन मोड में कैसे क्या पेपर के लिए प्रिपरेशन करके जाना है। और सेकंड चीज जो मेन है कि माइनस मार्किंग का आपको कैसे बचना है, क्या क्या चीजें आपको उसके लिए यहाँ प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आप उस चीज से वहां पर बच पाएंगे। तो सर आप जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको शुभकामना देना चाहूंगा 17 अप्रैल के लिए। आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही है, मुझे अच्छे से पता है। लेकिन बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिनके ऊपर हम लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि अभी तक हमारा जो एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होता था, एक दिन में हमारे सारे यारों के पेपर हो जाया करते थे। तो स्वाभाविक सी बात है, यदि ऑफलाइन का हमारा एक पेपर हो रहा है सिंगल पेपर, तो उसका लेवल कहीं ना कहीं सिंपल होता था। यानी कि वो सारे क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन ही हमारे एग्जाम्स के अंदर कॉपी हो जाया करते थे, अब उनकी संभावनाएँ थोड़ी सी कम होगी। क्योंकि 17 अप्रैल से हमारा एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, लगभग 2 से 3 दिन इस एग्ज़ाम के चलने की संभावनाएँ हैं। और यदि एक दिन में 2 शिफ्ट में भी हमारे पेपर होते हैं, और यदि 3 दिन में एवरेज पेपर चलता है, तो लगभग 6 शिफ्ट में हमारे पेपर होने की संभावना हम लोग जता रहे हैं। तो यानी कि आप देखिए, जो पेपर एक दिन में हो रहा था, वो जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे जिनकी ज़्यादातर रिपीटेशंस होने की संभावनाएं थी, वो क्वेश्चंस आप कितने पेपर के अंदर डिवाइड होने जा रहे हैं, 6। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग ये मान करके चले कि हमारा एग्ज़ाम का लेवल पहले की तुलना में तो बढ़ा हुआ हम लोगों को मिलने वाला है। तो पहली चीज़, हमारी प्रिपरेशन थोड़ी सी हम लोग ज़्यादा करें। थोड़ी सी ज़्यादा मतलब कि हम लोग पहले जब एग्ज़ाम के अंदर बैठ रहे थे, तो उससे हमारा प्रिपरेशन थोड़ा सा ज़्यादा रहे। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगा करके जाएं, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट को हम फोकस करके जाएं। किसी एक ही सब्जेक्ट के भरोसे हम ना बैठें कि नहीं सर मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा स्ट्रांग है, मैं GS वाला पार्ट छोड़ देता हूँ, सर मेरा साइंस बहुत अच्छा है, मैं मैथमेटिक्स के सिर्फ 10 क्वेश्चन बना लूँगा। तो वो बच्चों, हम लोग लास्ट में जब हमारा एग्ज़ाम पास में आ ही चुका होगा, तब वो हमारे लिए स्ट्रेटजी काम कर रही होगी। लेकिन अभी भी हमारे पास लगभग 10 से 12 दिन हमारे पास में अभी भी बचे हुए हैं। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि सभी सब्जेक्ट पर बराबर फोकस करें। हाँ, ये जरूर कहना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स एक हमारा बड़ा पार्ट है, सब्जेक्ट है जो सिलेक्शन मोड है हमारा, तो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान या कंसंट्रेशन करके आप एग्ज़ाम के अंदर जाएं। दूसरी चीज़ के सर कट ऑफ क्या रहेगा, कई सारे बच्चों के सवाल ऑनलाइन क्लास के अंदर भी रहते हैं, और कहीं ना कहीं जब मैं ऑफलाइन क्लास के अंदर भी पढ़ाता हूँ तो बच्चों के ये क्वेश्चंस रहते हैं कि सर इस बार कट ऑफ की क्या संभावना है। तो देखिए बच्चों, पहले जब हमारा फिजिकल एग्जाम हो रहा था और फिजिकल के बाद में फिर हमारा मेडिकल और रिटर्न एग्जाम हो रहा था, तो वहाँ कैंडिडेट जो होते थे हमारे लिमिटेड होते थे। लगभग GD के लिए हम बात करें तो 1200 से 1500 बच्चे 11 के अंदर GD वाले एग्जाम के बैठते थे। लेकिन अब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमारे एग्जाम के अंदर अपेयर होने वाले, उनके नंबर ज़्यादा हैं। लेकिन आप दूसरा पक्ष ये भी देखिए बच्चों, कि अब हमारे एग्जाम के अंदर जो बच्चा बैठ रहा है, जो क्वालिफाई होगा, उसका सेकेंड स्टेट फिजिकल है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल टेस्ट है। तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स के अंदर जनरली हम लोग ऐसा देखते हैं कि लगभग जितने नंबर ऑफ वैकेंसीज होते हैं उसके 5 गुना बच्चों को रिटर्न एग्जाम के अंदर क्वालिफाई किया जाता है। अब आर्मी में हम देखते हैं आने वाले समय में इसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, लगभग संभावना तो यही हम व्यक्त कर रहे हैं कि 5 गुना बच्चे लगभग रिटर्न एग्जाम के अंदर सेलेक्ट होंगे। तो यदि एक एरो में हम लोग 250 से 300 बच्चे यदि जनरल ड्यूटी के, GD के, लगभग 40 से 50 सीट हम टेक्निकल की मान के चले, लगभग हम क्लर्क वाले बच्चों के भी 30 से 40 सीट्स हम लोग लेकर के चले, तो उसके 5 गुना बच्चे हमारे रिटर्न एग्जाम के अंदर क्वालिफाई होंगे। उन बच्चों के पास में सेकंड फेज के लिए, यानी कि फिजिकल फिटनेस के लिए, वहाँ पर उनके पास में क्या आएगा, कॉल लेटर आएगा। तो यदि हम लोग देखें औसतन, यदि 30,000 40,000 भी यदि फॉर्म एक एआरओ के अंदर फिल होते हैं, है ना, यदि किसी क्षेत्र में एआरओ बढ़ा है तो 50,000 60,000 फॉर्म भी फिल हो सकते हैं। तो वहाँ पर 5 गुना बच्चों की बच्चों यदि हम संभावना देखें, तो आप लोग ये मान के चलिए कि हम लोग टारगेट ये रखें कि हमारा 38-40+ हम लोग क्वेश्चंस यदि हम लोग कर करके आ रहे हैं, तो हमारे सिलेक्शंस की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा होगी। लेकिन कई बार बच्चों पेपर का लेवल थोड़ा सिंपल होता है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सर हमने 40 क्वेश्चन बोले थे, हम 40 क्वेश्चन करने के बाद में हम लोग स्टॉप हो जाएँ। यानी कि पेपर यदि हमें पूरा आ रहा है, तो हम लोग कोशिश करें हम 45+ क्वेश्चन भी हम बना सकते हैं। लेकिन यदि पेपर का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, तो फिर बच्चों आप रिस्क ना लें कि नहीं हम लोग को 40 के पीछे पढ़ना है, क्योंकि ऐसी स्थिति में एग्जाम का जो कट ऑफ लेवल होता है वो नीचे जाता है। यदि पेपर सिंपल है तो कट ऑफ लेवल ओबियस सा थोड़ा सा हाई जाएगा, और यदि एग्जाम का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यानी कि क्वेश्चंस के लेवल है थोड़े से यदि हमारे एग्जाम के अंदर, तो कट ऑफ लेवल थोड़ा सा बच्चों नीचे चला जाता है।
तो आप पेपर का लेवल देख करके आप अपने क्वेश्चंस के नंबर निर्धारित करें, लेकिन फिर भी एक चीज तो आप माइंड में लेकर के चले कि हम लोगों को 38-39 प्लस क्वेश्चंस हम लोगों को अटेम्प्ट कर आना है। 40 आप लोग टारगेट रखें, 40 प्लस क्वेश्चंस हम लोगों को अटेम्प्ट एग्जाम के अंदर करना है एक्यूरेसी के साथ में, है ना। बहुत ज्यादा वहां पर हम तुक्के ना लगाएं, जो हम लोग को कन्फर्म हो कि हाँ इसका आंसर सर यही होगा, वही वाले क्वेश्चंस को हम लोग कहीं ना कहीं अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। जी बोलो भैया। सर एक माइनस मार्किंग का थोड़ा सा और, माइनस मार्किंग देखिए बच्चों, यदि हम लोग एग्जाम में प्रिपरेशन करके बैठ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा माइनस मार्किंग का डर हमें रहेगा, क्योंकि हमारे एग्जाम में अभी तक हम लोग देखें तो क्वेश्चंस के साथ जो ऑप्शंस चार हम लोगों को मिलते हैं, ऑप्शंस के अंदर दो ऑप्शंस तो इजीली हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं कि सर ये दो ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते हैं, दो के अंदर हम लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो यदि आपको 50% प्रोबेबिलिटी है कि सर इसके दो ऑप्शन तो 100% हो ही नहीं सकते हैं, इन दो ऑप्शंस में मुझे डाउट है, तो आप उन दो ऑप्शंस के साथ में रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज आप लोग क्या करें, अदरवाइज आप उस क्वेश्चन को ना छेड़ें, ये मेरा आपको सजेशन है। तो आप यदि दो से तीन इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं तो आप जरूर बच्चों वहां पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, अदरवाइज पर्सनल मेरा ये सजेशन होगा कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें, जितने आपके 100% श्योरिटी के साथ में क्वेश्चंस हो वही क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें, तो उससे हम नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे, और नेगेटिव मार्किंग से जब हम लोग बचेंगे तो हमारे जो स्कोर है उस स्कोर के अंदर इम्प्रूवमेंट होगा, जो हमारे आए हुए मार्क्स है उसमें से नेगेटिव मार्किंग के साथ हमारे मार्क्स क्या नहीं होंगे, डिडक्ट नहीं होंगे। तो मेरा आपको यही सजेशन है बच्चों कि यदि कोई क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ नहीं लग रहा है, अभी तक आपने उसको नहीं देखा, तो उसको आप अटेम्प्ट ना करें। यदि आपको लग रहा है कि इसमें 50% प्रोबेबिलिटी, तो उसको अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा सर ने सारी चीज आपको क्लियर कर दी, तो काफी अच्छी जानकारी सर के द्वारा आपको मिली कि आपको माइनस मार्किंग और अच्छा स्कोर करना है, और अच्छा स्कोर रहेगा तो सिलेक्शन में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। TFDA सिलेक्शन तक आपके साथ में कुछ भी आपको और भी डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हर एक चीज का आंसर देने की कोशिश रहेगी, हमेशा आपके लिए बेस्ट करते आए। और बाकी टेस्ट वगैरह सारी चीज आपको संडे टू संडे यहाँ पर मिल रहे हैं, आप करिए कंटिन्यू, जब तक आपकी एग्जाम, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम आपके साथ में। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करना, नेक्स्ट वीडियो अपडेट तुरंत आप तक पहुंचती रहेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।